मैं धन्यवाद देता हूँ सीएलसी टीम को, जिनके साथ मैं 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य बना रखा है। सिर्फ ये एक कोचिंग संस्था नहीं है, ये आपका एक परिवार बन जाएगा जब आप इनसे जुड़ेंगे। आप अगर एक कदम चलते हैं तो ये चार कदम चल के आगे आएंगे और आपको गले लगा लेंगे। जिस दौर पे आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जब मैं सीएलसी गया तो मेरे दिमाग में उससे पहले दो सवाल थे। सबसे पहला सवाल यह था कि डॉक्टर बनना एक करोड़ों का पैकेज है जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और मैं एक साधारण सा नागरिक, आपके पड़ोसी शहर सूरतगढ़ का नागरिक हूँ। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मेरा बेटा अभी तीसरे साल की पढ़ाई कर रहा है दिल्ली से। जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है वो देश के गिने चुने कॉलेज यानी कि टॉप फाइव में आता है। उस टॉप फाइव में जो एडमिशन मिला है वो सीएलसी की देन है। मेरा बच्चा एक साल जब उस इनके सीएलसी कोचिंग में पढ़ चुका था तो वो बिल्कुल एकदम सिलेक्शन के बॉटम लाइन पे था, यानी कि उसको जो कॉलेज मिलना था वो बिल्कुल छोटे लेवल का मिलना था। लेकिन श्रवण जी ने मेरे को ये आग्रह किया कि बच्चे को आप एक साल और पढ़ाओ क्योंकि इसकी पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैंने जब बच्चे का एडमिशन कराया तब वो 11वीं कर चुका था और 12वीं में एडमिशन कराया। इनकी कोचिंग या तो 2 साल की है या फिर 12वीं करने के बाद 1 साल का पैकेज इनका होता है। लेकिन जब हम बीच में लेके गए तो उसकी आधी पढ़ाई निकल चुकी थी, तो हमने फिर भी ये डिसीजन लिया कि ठीक है आप जो है इनको 12वीं की तैयारी करवा दो, जो 11वीं का सिलेबस छूटा है वो अपने आप करेगा। ये उस लेवल पे भी उसने अच्छा किया और इन्होंने भी पूरा कोऑपरेट करके उसको सिलेक्शन के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इन्होंने ये मेरे को कहा कि आप जो है इनका एडमिशन मत करवाइए, एक साल और दीजिए, आपके बच्चे को बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। उस अच्छे कॉलेज मिलने के कारण आज मैं आपको बता दूं, मेरा बच्चा बिल्कुल 0 फीस के अंदर पढ़ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल कोई भी खर्चा नहीं है। मात्र 1 घंटा, शायद बॉस को इस बात का पता नहीं है, मैं इनको धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूँ, 1 घंटा वो सिर्फ पढ़ाई करवाता है ऑनलाइन, उसके बदले में उसको महीने के 40,000 रुपये मिलते हैं। उस 40,000 रुपये से वो अपना सारा खर्चा निकाल लेता है, बिल्कुल 0 फीस पे वो बॉस पढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि सीएलसी क्यों चुने अपने, इस बात का मैंने चुनाव इसलिए किया कि सीएलसी में बच्चों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। बच्चा आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, उसको कोई आवारा तत्व परेशान नहीं करेंगे, बच्चियों की पूरी सिक्योरिटी है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और साथ में ये सिर्फ टीचर ही बच्चों का ध्यान नहीं रखते, इनके वार्डन भी आपको फ़ोन करके आपके बच्चे की जो भी परिस्थिति वहाँ बनेगी, अच्छा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, आपको सूचित करेंगे इनके वार्डन। 2017 में मैं बॉस की शरण में उनको छोड़ के आया था, उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो सारा का सारा जो है सीएलसी खुद मैनेज करती है, उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन, बच्चे की काउंसलिंग, बच्चे का एडमिशन और उसके बाद जो है परिवार के साथ ही जुड़ जाते हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, जो इन्होंने बताई है संस्कारिक शिक्षा दी जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी है। निश्चिंत होकर आप विश्वास कर इनका हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपके बच्चे में काबिलियत है, वो कुछ बनना चाहता है, तो वो बिल्कुल बनकर ही आएगा। इनको ये नहीं है कि पैसा ही कमाना है, इनके भी एक जुनून है कि मेरे को गरीब घरों के बच्चे, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाना ही बनाना है। पैसे वाले की तो सब मदद करता है, तो ये गरीब की भी मदद करता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर इन पे विश्वास कीजिए, आप खुद जाके वहाँ विजिट कीजिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको उनसे बेहतर वहाँ देखने को मिलेगा।